दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपना आईफोन एसई 3 को मार्च में मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयारी बना चुकी है। अगले साल 2022 मार्च में इसे जो है कि पेश किया जाएगा। इसमें हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की। इसमें देखिए आपको 4.7 इंच का रेटिना एचडी एलसीडी डिस्प्ले के साथ आने की उम्मीद है। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एक होम बटन भी होगा। यह एलसीडी डिस्प्ले पैनल और होम बटन के साथ आने वाला आखिरी एप्पल स्मार्टफोन होने की संभावना है। डिवाइस के 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। एप्पल A15 प्रोसेसर द्वारा संचालित होने की उम्मीद है, जबकि प्लस ओरिएंट में 4GB रैम मिल सकता है। चिपसेट 4 में 5G कनेक्टिविटी की सपोर्ट भी लाता है। बेहतर फोटोग्राफी सुविधाओं के साथ अभी भी पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेंसर होगा। अपने हालिया अनुमान में जेपी मॉर्गन का कहना है कि यह नया आईफोन एसई लगभग 14 बिलियन से कम मिड रेंज के एंड्रॉयड फोन यूजर्स और लगभग 300 मिलियन पुराने आईफोन मॉडल उपभोक्ताओं को लुभा सकता है। इसने बीत वर्ष 2022 के आईफोन एसई की बिक्री का अनुमान 30 मिलियन यूनिट और वार्षिक आईफोन शिपमेंट की उम्मीदों को 250 मिलियन यूनिट तक बढ़ा दिया है, जो इस वर्ष की तुलना में 10 मिलियन अधिक है। आईफोन एसई 3 प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस $399 यानी ₹30,401 रखी जा सकती है। इसे अगले साल 2022 मार्च में इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी बनाई हुई है। आइए बात करते हैं इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानते हैं इसमें हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको दमदार बैटरी मिलती है, साथ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें आपको LED फ्लश मिल जाता है। अगर हम शूटिंग मॉडल की बात करें तो हाई डायनेमिक रेंज मोड HDR पे आप शूटिंग कर सकते हैं। कैमरा फीचर की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम टाइप डिस्प्ले की बात करते हैं तो IPS LCD का जो AMOLED डिस्प्ले है, जो कि मैंने पहले आपको बताया, जिसका रेजोल्यूशन जो है कि 1080x2340 पिक्सल का हो सकता है। यहाँ पे हम अगर पिक्सल डिस्टेंसी की बात करते हैं तो 548 PPI का आपको पिक्सल डिस्टेंसी मिलता है। टच स्क्रीन की बात करें तो कैप्टिव टच स्क्रीन मल्टी टच आपको देखने को इसमें मिल जाता है।